हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू असरदार आयुर्वेद। दोस्तों, आज अपन समझेंगे अश्वगंधा के बारे में। आज तक आपने अश्वगंधा को सिर्फ इसलिए सुना होगा कि भाई ये सेक्स की टाइमिंग को बढ़ा देता है, सेक्स को बढ़ा देता है वगैरह वगैरह, लेकिन आज अपन समझेंगे अश्वगंधा के बारे में रियल जानकारी जो कि आपके काम आएगी जिंदगी भर के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और नए हैं तो असरदार आयुर्वेद को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देते हैं आपको जेन्युइन कॉन्टेंट। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा की, तो नाम से क्लियर है ये संस्कृत वर्ड है। तो अश्व मतलब होता है घोड़ा, जिसे बोलते हैं हॉर्स, और गंधा मतलब होती है स्मेल। तो जब ये पौधा जब निकाला जाता है, इसकी जड़ों में से घोड़े की जैसी स्मेल आती है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, अश्वगंधा। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है, कई लोग सोचते हैं घोड़े की तरह दौड़ने लगोगे आप, ऐसा नहीं है, सिर्फ स्मेल का काम है। और इसको बेसिकली एडाप्टोजोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर देता है, ठीक है। जो जब एलोपैथिक दवाइयाँ स्ट्रेस को कम नहीं कर पाती तब अश्वगंधा बहुत कमाल कर देता है। बेसिकली इंडिया में, श्रीलंका में, नेपाल में, कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्ट में, आपको जो साउथ अफ्रीका में मिल जाता है, ये उगता है नॉर्मली, इसका कल्टिवेशन भी होता है, कई लोग इसकी खेती भी करते हैं, ठीक है। तो इसको इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेमिना आपको ये प्रोवाइड करता है। तो इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं, क्योंकि जिनसेंग यहाँ होता नहीं है, बाहर से लाते हैं, ये यहाँ पे आसानी से हो जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है ये, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अश्वगंधा, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए। और अश्वगंधा की अगर बात की जाए तो इसका 100 ग्राम अगर आप पाउडर बनाते हैं, इसकी जड़ों को सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है। बेसिकली मार्केट में इसका जो है ऑयल भी अवेलेबल है, सिरप भी अवेलेबल है, पाउडर भी अवेलेबल है। तो अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो आपको अगर 100 ग्राम अश्वगंधा के अंदर लगभग लगभग आपको 250 कैलोरीज एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, और 75 ग्राम के लगभग आपको कार्ब्स मिलती हैं। तो कार्ब्स कुछ ज़्यादा ही होते हैं इसमें, इसलिए एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। बात करेंगे अश्वगंधा का बेसिक यूज़ क्या होता है। देखो भाई, हम सुनते हैं शुरू से बचपन से कि भाई सेक्स के लिए दिया जाता है, सेक्स टाइमिंग बढ़ाएगा, ये फलाना ढिमका। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लोगों ने इसको इतना ज़्यादा बदनाम कर रखा है अश्वगंधा को कि भाई नॉर्मल आदमी यूज़ ही नहीं कर पाता। ये इतना ज़्यादा चमत्कारी गुण होते हैं इसके अंदर कि आदमी शर्म के मारे यूज़ नहीं कर पाता। सबसे पहला काम अश्वगंधा क्या करता है, आपके ब्रेन को काम डाउन करता है। आपके ब्रेन में कितना भी टेंशन हो, कितनी भी एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, सब दूर कर देता है, आपको अच्छी नींद लाता है। शेडेशन इसलिए इसका एक साइड इफेक्ट होता है, ये अच्छी नींद लाता है आपको, ठीक है। दूसरा, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, साथ ही इम्यून बूस्टर की तरह वर्क करता है। आपको अगर बार बार बीमार होते रहते हो तो आप जल्दी बीमार नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी इन्हांस होगी। आप बार बार थक जाते हैं तो थकावट को दूर करता है, ठीक है, स्टेमिना बढ़ाता है। लोगों में स्टेमिना की कमी होती है तो थोड़ा बहुत काम करते हैं थक जाते हैं, तो वो समस्या ठीक करता है। और साथ ही दोस्तों, ये आपको कई तरह के रोग उनमें भी हेल्प करता है, जैसे कि कहीं पर सूजन आ गई है तो सूजन को कम करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिक काम है अश्वगंधा का। अश्वगंधा ये नहीं है कि आपने पाउडर घोल के पी लिया तो आप 2 घंटे तक सेक्स करोगे, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अश्वगंधा आपके लिए मेंटल स्ट्रेस से आराम देता है, आपके पूरे के पूरे शरीर को ओवरऑल फंक्शनली वर्क करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अश्वगंधा इसलिए लेना चाहिए। अब बात करें किसको नहीं लेना चाहिए। देखो भाई, आप प्रेग्नेंट हैं मत लो, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गर्भवती महिलाएं बिल्कुल भी भूल से नहीं देना है, छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना है। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तब भी नहीं देना है, ठीक है। कई लोगों में हालांकि देखा गया है कि आर्थराइटिस वगैरह में बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं अश्वगंधा के, तो उनको भी दे सकते हैं। हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो अश्वगंधा कोई भी ले सकता है, ठीक है ना। और लेने का तरीका बहुत सिंपल है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं, कोई ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि जिस चीज़ को लेने में इतनी मेहनत करना पड़े फिर आदमी उसको ले नहीं पाता। बहुत आसान तरीका है लेने के लिए, कोई भी ले सकता है। आधा चम्मच आप पाउडर लो, गुनगुने पानी में मिला के पी जाओ, बस इतना करना और कुछ नहीं करना। सुबह सुबह ले लो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो दूध से भी लो तो लो, अदरवाइज़ ना लो तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी से ही असर कर देगा, ठीक है ना। तो ये एक बिल्कुल रियल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो में अभी तक आप बने हो तो प्लीज़ से डू लाइक, ठीक है, एंड सब्सक्राइब ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। एक चीज़ और दोस्तों, कि आप इसको नहीं ले पा रहे हो उसका बिटर टेस्ट स्मेल के कारण, तो आप इसमें हनी डाल दो, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा नींबू पानी डाल लो तो वो चला जाएगा अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यूज़ करें, 15 से 20 दिन में ही आपको थोड़े फ़र्क देखना महसूस हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। अश्वगंधा एक बहुत अच्छी हर्ब है जो कि हमारे बहुत सारे कामों को आसान करती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।